नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 7 मार्च को पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में करेंगे बंगाल की जनता को संबोधित। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में दिखाएंगी अपनी शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 7 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में राज्य के मतदाताओं को संबोधित कर रहे होंगे, उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगे। इसको लेकर प्रशासन और तृणमूल नेताओं की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 तारीख को सिलीगुड़ी आ रही है और अगले दिन 7 तारीख को वहां रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। उसी दिन पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर नाका चेकिंग की जा रही है। होटलों और रेस्टोरेंट में भी चेकिंग प्रारंभ कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। इस बात को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव में टीएमसी उत्तर बंगाल पर पूरा जोर लगा रही है। इस बीच पीएम मोदी की ब्रिगेड रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा के उत्तर बंगाल इकाई के नेताओं ने पार्टी नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन करने का निर्देश दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी की ब्रिगेड सभा में शामिल होने के लिए प्रचार कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस रैली में 10 लाख से अधिक लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा और कांग्रेस की हुई महत्वपूर्ण बैठक। कांग्रेस के जिला सभापति शंकर मालाकार ने कहा कि राज्य से होगी दीदी और केंद्र से मोदी की विदाई। कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन समावेश के बाद दोनों पार्टियों का मनोबल काफी बढ़ गया है, क्योंकि ब्रिगेड समावेश में जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उतरा था उससे इन दोनों पार्टियों को ऑक्सीजन मिल गया है और उम्मीद की है कि एक नई किरण आने लगी है। यही कारण है कि अब दोनों पार्टियां पूरी जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी स्थित कांग्रेस कार्यालय में वाम मोर्चा कांग्रेस प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस जिला सभापति शंकर मालाकार और वाम मोर्चा के आह्वायक जीवेश सरकार सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इसके अलावा इस बैठक में नक्सलबाड़ी और खोड़ीबाड़ी से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कांग्रेस सभापति शंकर मालाकार ने कहा कि जनता मोदी और दीदी की विदाई चाहती है। उन्होंने कहा कि ब्रिगेड मैदान में जिस तरह से लोगों का हुजूम उतरा उससे साफ पता चलता है कि लोग राज्य में परिवर्तन चाहते हैं। यह परिवर्तन होना तय है क्योंकि वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे। आम जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और इसलिए राज्य से भाजपा और दीदी का सफाया होना तय है। निर्वाचन शुधुमात्र एमएलए निर्वाचित करा সেটাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। এবারকার নির্বাচনটা হচ্ছে ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, এই কারণে এই নির্বাচনের ফলাফলের উপরে ভারতবর্ষের রাজনীতির গতি প্রকৃতি অনেকটাই নির্ভর করবে। আমরা বামফ্রন্ট, জাতীয় কংগ্রেস, ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট এবং আরও অনেক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি একজোট হয়ে সেই কারণে সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে এবারে নির্বাচনে আমরা আহ্বান রেখেছি যে জনবিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করেই ফ্যাসিবাদী শক্তি আরএসএস এবং তার রাজনৈতিক দল বিজেপিকে রুখতে হবে, পরাজিত করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে, সংযুক্ত মোর্চার সরকার গঠন করতে হবে। এই সরকারের দায়িত্বই হবে, এই সরকারের কাজই হবে সংযুক্ত মোর্চার সরকারের
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, শিল্পায়ন, কৃষকের স্বার্থ দেখা, কৃষকের ফসলের দাম, কৃষকের জমি, বাস্তুহারাদের জমির পাট্টা, গরিব মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, পঞ্চায়েত পৌরসভাগুলোর যে অধিকার এই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার কেড়ে নিয়েছে এবং পঞ্চায়েত পৌরসভাকে জবরদখল করার যে ভয়ানক রীতি এই সরকার চালু করেছে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে পঞ্চায়েত পৌরসভাগুলোকে আরও বেশি ক্ষমতায়িত করা এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে একটা যৌথ সভা। ইতিমধ্যে আমরা মাটিগাড়া নকশাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের যৌথ সভা আমরা করে এসেছি, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে যৌথ সভা একটু আগে আমি আর জীবেশ সরকার খড়িবাড়িতে করে এসেছি। আমরা মনে করি এবারের জোট গতবারের তুলনায় অনেক 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 বেশি মজবুত এবং আমরা এটাও মনে করি এবার কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট অনেক আগে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে। শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে অশোকবাবু অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী, তার নির্বাচনে আমরা সকলে মিলে দুই দল সকলে মিলে যাতে একসাথে কাজ করা যায়, আজকের পরে আমরা ওয়ার্ড ভিত্তিক যৌথ সভা করব, যৌথ কমিটি করব এবং যতটা সম্ভব বুথ ভিত্তিক যৌথ কমিটির উপরে আমরা জোর দেব। এবং আমরা এটা নিশ্চিত হয়ে গেছি ব্রিগেডের জনসভার পর বাংলার মানুষ মন ঘুরে গেছে, 7 বছরে বিজেপির ভাতাবাজি আর 10 বছরে স্বৈরাচারী তৃণমূলের বিরোধী শূন্য রাজনীতি, মানুষ আজকে অতিষ্ঠ হয়ে বাম এবং কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছে। भारत में तेज हुआ कोरोना टीकाकरण, एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कोरोना वायरस महामारी के खात्मे के लिए टीकाकरण की गति और तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के 1.80 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि कल एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। भारत में 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाए जाने के साथ ही देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। कल 10,93,954 टीके लगाए गए। इनमें 8,34,141 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई और 2,59,813 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। 8,34,141 लाभार्थियों में 60 साल से ज्यादा, 4,93,999 और विभिन्न रोगों से ग्रस्त 45 से 60 साल की उम्र के 75,147 लोग शामिल हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को टीका लगाने की शुरुआत 2 फरवरी से हुई थी। मार्च में शुरू हुए कोरोना वायरस टीकाकरण के अगले चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 45 या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाने की शुरुआत हुई। मंत्रालय के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम 7 बजे तक जारी आखिरी रिपोर्ट के अनुसार 1,80,11,287 टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 68,38,077 टीके स्वास्थ्य कर्मियों को पहले खुराक के तौर पर लगाए गए, जबकि 30,82,242 टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए। अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को पहले खुराक के तौर पर 60,22,136 जबकि दूसरी खुराक के तौर पर 54,177 टीके लगाए गए। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 14,95,016 और विभिन्न रोगों से पीड़ित 45 से उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को 2,18,939 टीके लगाए गए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिलीगुड़ी में पुलिस चला रही है विशेष नाका चेकिंग। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के ऐलान के साथ ही पूरे राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में अभियान चलाकर असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुलिस प्रशासन के साथ चुनाव अधिकारियों की टीम भी महत्वपूर्ण मार्गों में नाका चेकिंग कर तलाशी अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सिलीगुड़ी शहर के जलपाईगुड़ी मोड़ में चुनाव अधिकारियों की टीम ने पुलिस की मदद से विशेष नाका चेकिंग चलाया।
नाका चेकिंग के दौरान सड़क से गुजरने वाले छोटे वाले सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली गई। गौरतलब है कि चुनाव आचार संहिता के तहत कोई भी व्यक्ति 49,999 रुपए से अधिक नगद राशि अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकता। इसके साथ ही विदेशी शराब गांजा समेत अन्य नशीले सामान लेकर यातायात करने पर पाबंदी लगाई गई है। लिक्विड आछे किना टाका पैसा जदि थाके सेगुलो आर अवैध जिनिसपत्र भेतरे ढुकछे किना शिलीगुड़ी बा এইসব আমাদের মেইনলি দেখা অবৈধ বলতে যেগুলো কাগজ বহির্ভূত যেগুলো জিনিসপত্র আছে সেগুলো আমরা দেখাশোনা করছি গাড়ির এবং গাড়িরও কাগজপত্র আমরা সেগুলো দেখছি যে গাড়ির কাগজ 50,000 টাকা মানে 50,000 থেকে কম হতে হবে 1 টাকা কম হলে পর্যন্ত আমরা ক্যারি করতে পারবো 49,999 টাকা পর্যন্ত একজনে ক্যারি করতে পারবে। তাদের যদি বৈধ কাগজপত্র থাকে তারা ক্যারি করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী কে ব্রিগেড সমাবেশ কো সফল বানানে কে লিয়ে মহিলাওনে কসি কমর। জলপাইগুড়ি মে महिलाओं ने शुरू किया दीवार लेखन का काम। अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव के समय चुनाव प्रचार के दौरान पुरुष ही दीवारों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह बनाते हैं और नारों को लिखते हैं, लेकिन जलपाईगुड़ी में कुछ अलग दृश्य देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मार्च को होने वाले ब्रिगेड समावेश को सफल बनाने के लिए जलपाईगुड़ी में महिलाएं दीवार पर लिखती हुई नजर आई। जिला भाजपा अध्यक्षा टीना गांगुली के नेतृत्व में महिलाओं का दल जलपाईगुड़ी शहर के कई जगहों पर भाजपा का चुनाव चिन्ह दीवारों पर बनाने के साथ ही रंग भरते हुए नजर आए। साथ ही पीएम मोदी के समावेश में लोगों को भाग लेने के लिए नारा लिखा गया। महिला मोर्चा के जिला सभापति टीना गांगुली ने कहा कि जलपाईगुड़ी से काफी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री के समावेश में भाग लेने के लिए जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं जलपाईगुड़ी से ब्रिगेड समावेश में भाग ले, इसलिए हम लोगों ने दीवार लेखन का काम शुरू। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन, अब फैंस? फैंस स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक, चली हवा सूर्या की। माउंट कनिफर स्वीट्स एंड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी व कुनै उत्सव मनाउन पड़े दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रूम को व्यवस्था गरी दिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीड़भाड़को सामना गर्नु पर्दैन। 3,000 र 1,000 स्क्वायर फिट को यस हल को उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउंट कनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिंग मॉल दार्जिलिंग। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कॉमिंग टर्किश स्काइज? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि, जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction.
advantages of working in Japan. Better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। भारत भूटान सीमा स्थित जयगांव से 9 लाख से ज्यादा नकदी बरामद। राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। राज्य में आचार संहिता लागू होते ही कोई भी व्यक्ति 49,999 रुपए से ज्यादा नकदी अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। लेकिन इस बीच जयगांव थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर 9,10,000 नकदी बरामद किया है। बरामद रुपयों को जिला शासक कार्यालय में जमा करवा दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची, भाजपा की बैठक स्थगित। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के बाद टिकट बंटवारे व प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इसे लेकर आज होने वाली भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक रद्द कर दी गई है। वहीं TMC चुनाव समिति की आज कोलकाता में CM ममता बनर्जी के आवास पर बैठक होने वाली है। उम्मीदवारों की पहली सूची फाइनल करने को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर यह बैठक 5 घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बंगाल भाजपा की कोर कमेटी के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। खबर है कि इसमें पहले व दूसरे चरण में 60 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। कहा जा रहा था कि शुक्रवार को संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम मुहर लगने के बाद भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन अब यह बैठक रद्द हो गई है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार यानी आज बंगाल के सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए भाषणों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से मालदा में निकाली गई विरोध रैली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 फरवरी को मालदा में जनसभा को संबोधित किया था। इस जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस की ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलने के साथ ही गौ हत्या, लव जिहाद और घुसपैठ पर भी जमकर निशाना साधा था। अब उनके इस बयान को सांप्रदायिक और विध्वंसक बताते हुए TMC की ओर से गुरुवार शाम को एक विरोध रैली निकाली गई। मालतीपुर विधानसभा के कोऑर्डिनेटर अब्दुल रहीम बख्शी के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में TMC समर्थकों ने हिस्सा लिया। अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक व्यक्ति है और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बंगाल में आए थे। बंगाल में सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान से राज्य में सांप्रदायिकता फैलने का डर बना हुआ है, इसलिए लोगों को समझाने के लिए यह रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को बांटने की राजनीति कर बीजेपी ने समावेश करते हैं সেখানে তিনি যে রকমের একটা বড় বড় ফেসিবাদী সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রেখেছেন
সেই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এলাকায় তিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুরসুড়ি দিয়েছেন। তারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজকে মালতীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে যোগীকে ধিক্কার জানিয়ে আমরা আজকে এখানে একটা সভা এবং ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত করেছি এবং বাংলা যে সত্যিকারে নিজের মেয়েকে চাইছে, অর্থাৎ একমাত্র বাংলায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার একমাত্র নাম মমতা ব্যানার্জি, সমস্ত মানুষের মুখে আহার তুলে দেওয়ার নাম মমতা ব্যানার্জি, সমস্ত ছাত্রের হাতে বই তুলে দেওয়ার নাম মমতা ব্যানার্জি, সমস্ত যুবকের হাতে কাজ তুলে দেওয়ার নাম মমতা ব্যানার্জি, অসহায় মানুষের পেটে ভাত মাথায় ছাদ দেওয়ার নাম মমতা ব্যানার্জি, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার নাম মমতা ব্যানার্জি, তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সারা বাংলা নিজের মেয়েকে চাইছে 2021 সালে ক্ষমতায় পুনরায় আসীন করার জন্য। আমরা আজকে দাঁড়িয়ে আমরা বাংলা যে নিজের মেয়েকে চাইছে সেই স্লোগানে মুখরিত করেছি। এলাকার মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসছেন, অন্যদিকে যোগী ভোগী যেভাবে মাল্লায় এসে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দাঙ্গা লাগানোর জন্য চেষ্টা করছেন, সে অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সোচ্চার করেছি এবং এদের নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में दो दिनों से एम्बुलेंस परिसेवा ठप, मरीज परेशान। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में पिछले दो दिनों से 102 नंबर का निश्चय यान एम्बुलेंस परिसेवा ठप है। एम्बुलेंस के अभाव में मरीज खासकर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दो दिनों से हड़ताल पर है। गुरुवार को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर अस्पताल सुपर के साथ बैठक की। बैठक के बाद एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि उनकी विभिन्न मांगों एवं सुझावों पर अस्पताल के सुपर ने 7 दिनों के भीतर जांच कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद वे लोग अपने आंदोलन वापस ले रहे हैं और अस्पताल में एम्बुलेंस परिसेवा बहाल की जा रही है। एम्बुलेंस ড্রাইভারদের কতগুলো অভিযোগ ছিল ওনাদের আমি সুপার নিয়ে গেলাম, আলোচনার মাধ্যমে ওনাদের সমস্যা মিটে গেল আর ওনাদের কোনো এখন কোনো অভিযোগ নেই। অবশেষে মানে আমাদের সুপার সাহেব ডাকলেন, এই কিছুক্ষণ আগে সুপার সাহেব ডাকছিলেন, পুলিশ আসছিলেন, সুপার সাহেব ডাকলেন, সুপার সাহেবকে বললাম আমরা অভিযোগগুলো, চিঠিটাও দেখালাম যে কালকে আমরা করছিলাম চিঠিটা, তো উনি আমাদের কাছে 7 দিনের সময় নিলেন, আমাদের যে চার্ট আছে সেই চার্ট হিসাবে তিনি বিলগুলো চেক করান। সমস্যা হচ্ছে কি আমি সেই অনেকক্ষণ আগে ফোন করছিলাম, সে অ্যাম্বুলেন্স পাচ্ছি না, যার জন্য এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতেছি অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়াতে, এখন বাধ্যতা অনেকক্ষণ হয়ে গেল, থাকার পরে এখন আমি যাচ্ছি সুপার অফিসের কাছে, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিসের কাছে যাই, বলছি আবেদন তো করছি, কি করে উনি কি বলেন সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি 10 দিন ধরে হয়ে গেল, আমার পেশেন্ট তো নর্মালি পেশেন্ট হয়ে গেছিলো, হওয়ার পরে সে পেশেন্ট পরে মানে 2 ঘন্টা পরে মানে 12টা ডেলিভারি হয়েছে, সে 3টার সময় বলতেছে যে পেশেন্ট এরকম সিরিয়াস হয়েছে, ব্লাড এমার্জেন্সি লাগবে। আমি বলেছি ওনাদের বিল নিয়ে যে ডিসপ্যারিটি আছে সেটা হলো যেহেতু আমার অফিসের এটা বিরুদ্ধে একটা ওনারা অভিযোগ তুলেছেন, সেই জন্য সিএমওই সাহেবের এন্ডের ওখান থেকে এটা এনকোয়ারি করে দেখবেন, ওনাদের যদি প্রাপ্য থাকে এনকোয়ারি করার পরে 1 সপ্তাহ আমি টাইম নিয়েছি, তার মধ্যে ওনাদের যে প্রাপ্য টাকা আছে সেটা আমরা অ্যাড করে দিয়ে দেব। प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर टीएमसी ने बीडीओ ऑफिस में दिया धरना। पंचायत प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बीडीओ कार्यालय के सामने धरना दिया। धरने पर बैठे टीएमसी कर्मियों ने आरोप लगाया कि पंडित पोता 2 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान इलाके के विकास में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, साथ ही उनके खिलाफ विकास के पैसे की हेराफेरी करने का भी आरोप है। बीडीओ को इस बारे में बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद प्रधान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने पर बैठे मोहम्मद नूर आलम ने कहा कि प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत मिलने के बावजूद बीडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ वे सभी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन की ओर से पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले कई बार प्रधान के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। दूसरी ओर इस्लामपुर के बीडीओ रजत रंजन दास के साथ इस बारे में संपर्क
नहीं किया जा सका। हमारे जिला থেকে ব্লক অফটি নির্দেশ দিয়েছে যে না ওই প্রধানের উপরে ব্যবস্থা নেন, আমরা লিখিত দিয়েছি, কিন্তু কে বা কারা মানা করেছে তারা আমরা জানতে চাই। আপনারা ভিডিও সাহেবকে যাই জিজ্ঞাসা করেন যে আপনাকে কে বা কারা মানা করেছে, আর এই আপনি আইন বিরোধিতা কাজ করছেন, আপনি জনগণের কাজ করছেন না। এইভাবে ভিডিও সাহেব ভুলভাল বুঝালে জনগণ বুঝবে না। আমি পাবলিকের ওই পঞ্চায়েতের জিও টিএমসির প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই ধারণায় বসেছি। না আমরা যখন এসে কোনো দলীয় পতাকা ছিল না, না দলীয় পতাকা আমি যখন আসি তখন কোনো দলীয় পতাকা ছিল না, দলীয় পতাকা থাকলে আমরা ওটা সুইচ করতাম, কারণ এমসিসি থাকতো। আমি এই বিরুদ্ধে এটাই বলবো যে ওরা দু চারটা মানুষ, আমাদের আমি 25,000 মানুষের প্রধান, সব 25,000 মানুষকেই আমরা দিদির পরিকল্পনাগুলো তুলে দিয়েছি, সব 25,000 মানুষেই খুশি আছে আবার আনন্দই আছে। এখানে নূর আলম নামে একটা ছেলে আছে, ওর সঙ্গে আর দু চারটা আছে, ওগুলো দলাল, ও আমাদের দলের কেউ না, ও বিজেপি করে। ও দেখুন আবার ইলেকশনের টাইম ও বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, টাকা নিয়ে এগুলো করেছে, আমাদের দিদির পতাকা নিয়ে এই বদনাম করেছে। আমি কোনো পঞ্চায়েতে উন্নয়নের কাজ করতে গেলে, কখনো উন্নয়নের কাজ করতে গেলে ওরা উন্নয়নের কাজে বাধা দেয়। উন্নয়নের কাজ করতে গেলে আগে ওদেরকে নিয়ে আলাদা করে বসতে হয়, ওদেরকে টাকা দিতে লাগে, আমি সেটাতে বাধ্য, আমি টাকা দেবো না। আমি দিদি আমাদেরকে টাকা দিয়েছে উন্নয়নের কাজ করার জন্য, মানুষজনের কাজ করার জন্য, তাহলে আমি দিদির পরিকল্পনা এগুলো করছি, কিন্তু ওরা দলালগুলো, ওরা কাজ করলে ওদেরকে টাকা লাগে, আমি টাকা দিচ্ছি না সেটার জন্য এরা এগুলো করতেছে, ওরা দলাল। সব মানুষে আনন্দে দিদির পরিকল্পনা পেয়ে ভালোই আছে, খুশিতে আছে, কিন্তু ওই দু চারটাই লোকেই এরকম করে, ওগুলো দালাল, ও আমাদের দলের কেউ না, ও বিজেপি পার্টি করে। আজ কে লিয়ে বস ইতনা হি, অর বিস্তারিত খবরো কে লিয়ে দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ, আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।